हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एलोवेरा के लिए। इसको बनाने के लिए हमने एलोवेरा पत्ती धो लिया है पेड़ से। इसको पानी में 1 घंटा डाल दिया, पीलापन इसका निकल गया है। अब इसको काटेंगे फिर बनाएंगे। तेल बनाने के लिए हम इसको ये पार्ट हटा देंगे। इसको अच्छे से छील लेंगे, बीज का पार्ट निकाल लेंगे। इसको ये सारे छील गए हैं। हेयर ऑयल बनाने के लिए हमने एलोवेरा को कट कर लिया है। ये इतना इकट्ठा कर लिया है। गैस जला दिया है, कढ़ाई चढ़ा है। इसमें हम काली मिर्च को सेक लेंगे पहले। इसको ये हल्के सिक जाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे ऑयल। हमने ये आलमंड ऑयल लिया है, इसको इसी में डाल देंगे। काली मिर्च सिक गई है, अब इसको सारा डाल देंगे। तेल डाल दिया है, ये गरम हो जाएगा तब डालेंगे एलोवेरा। तेल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे एलोवेरा। इसको पका लेंगे अच्छी तरह। इसमें एलोवेरा की पत्ती ज्यादा हो गई थी, इसलिए थोड़े निकाल दिए हैं। तेल के हिसाब से थोड़ा कम ही डालना चाहिए। खुशबू के लिए हमने गुड़ैल का फूल लिया है, इससे अच्छी खुशबू आएगी। इसको भी इसी में डाल देंगे। ये बीच वाला पार्ट हटा देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए उतार लेंगे। पत्तियां जो नहीं गली हम उनको निकाल लेंगे बाउल में। गैस को हमने बंद कर दिया, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम छानेंगे ठंडे से। तेल ठंडा हो गया, इसको छान लेते हैं। तेल को छान लेंगे। इसमें और अच्छा बनाने के लिए विटामिन ई की गोली डाल देंगे। इसको स्टोर भी कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए। और उस सर्दियों में ये जम जाता है, गर्मी में बढ़िया रहता है। इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल हमने डाला, 100 ml का तेल था इसलिए 2 डाल दिए हैं। ये जैस्मिन तेल की ये शीशी मेरे पास रखी थी, इसमें हम रिस्टोर कर लेंगे, फिर लगाते रहेंगे। ये तेल रेडी हो गया, हमने स्टोर कर लिया। हमारे घर में 2-3 लोग हैं, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, 15 दिन चलेगा। इससे लंबे और घने काले बाल होते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, रूसी भी नहीं रहते। बहुत अच्छा नेचुरल तेल बना है, बहुत बढ़िया। आप भी बनाइए इसको मेरे तरीके से और लगाइए, फिर कमेंट करके बताइए कैसी मेरी रेसिपी लगी।